कि इस दुनिया में जो कुछ भी किसी को मिला है वो सिवाय दुनिया के साजो सामान के और कोई उसकी हकीकत नहीं है। बरतने की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। अगर कहीं दुनिया की किसी शय के लिए निगाहों के अंदर कोई कदर, उसकी कोई अजमत, उसकी कोई मोहब्बत, उसके लिए कोई तलब अगर ये चीज पैदा हो जाए तो ये कामत दीन की जिद्दोजहद की तरफ पहला कदम भी नहीं उठेगा। गाड़ी नॉक करेगी, चलना चाहेंगे आप, जो है गैस दे रहे हैं, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कि जब तक एक इंसान की कैफियत ये ना हो जाए जिसको कि एक हदीस में कहा गया है कि दुनिया व माफिहा मच्छर के पर के बराबर नजर आए। ये बात जो हुजूर ने इस्तेमाल फरमाई कि अल्लाह की निगाह में इस दुनिया व माफिहा की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो वो किसी काफिर को यहां से एक घूंट पानी का भी ना देता। यहाँ काफिर है और दुनिया में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, साजो सामान है, लंबी लंबी कारें हैं, मुशरिकीन हैं, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह को गालियां देने वाले हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले हैं, इस्तेहज़ा करने वाले हैं, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले हैं। दुनिया में उनके लिए रेल पेल है, साजो सामान है, कोठियां हैं, कारें हैं, क्या नहीं है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह का अगर या तो यूं कहिए कि अल्लाह को उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, अल्लाह ने इतनी कीमती चीजें उनको दे दी हैं। अल्लाह कहता है कि मेरी निगाह में तो इनकी मच्छर के पर के बराबर वक़्त नहीं है, मैंने ये सब कुछ इसलिए दे दिया है, ये सब काट कबाड़ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये तो तुम्हारी अपनी जो है वैल्यू स्ट्रक्चर तुम्हारा है, तुम्हारी निगाहों में इन शय की जो है, इन अशिया की अजमत है, हमारी निगाहों में इनकी कोई कदर व कीमत नहीं। हमारी निगाह में कदर व कीमत आखिरत की है। और जब तक एक बंदे मोमिन का अपना सोचने का अंदाज बिल्कुल उस खुदाई जो है एक मेयार उसके साथ बिल्कुल मुकम्मल ना हो लेकिन हम आहंग तो हो जाए, उसके साथ उसके एक हम आहंगी की कैफियत पैदा हो जाए, अगर ये नहीं होगा तो इकामत दीन की जिद्दोजहद में इंसान समझेगा कि मैं लगा हुआ हूं। सारी कोशिश हो रही होगी अपने माल बढ़ाने की, अपने साजो सामान में इजाफे की, अपने स्टेटस को बढ़ाने की, अपने दुनिया की बिलोंगिंग्स के अंदर इजाफा करने की, अपनी कार को लंबे से लंबा करने की। सिर्फ यह है कि जिसे आप एक कहते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है, साइड इशू है, एक हॉबी है, एक दिलचस्पी है, उसके दर्जे में दीन का कोई काम करके आदमी अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि मैं दीन का काम कर रहा हूं। जब तक यह शक्ल न हो, देखिए इसमें वो इंतहा ना आ जाए। रहबानियत इस्लाम में नहीं है, ये हर शख्स के अपने अंदर अपने दिल में झांकने की बात है कि आया फिल वाक़े मेरे दिल में इन चीजों की कोई कदर है या नहीं। इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। फमताउल हयात दुनिया, इस मताउल हयात दुनिया के अल्फाज में भी वो बात मौजूद है कि ये बात नहीं है कि इस्तेमाल ना करो। किसी शख्स को अगर अल्लाह ताला ने कार दी है और वो उस काम उसके जरिए से ज्यादा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कार की अजमत और कार की मोहब्बत दिल में आ गई तो इंसान मारा गया, फिर वो इस जिद्दोजहद के काम का नहीं रहा, इसके एतबार से निकम्मा हो गया। तो जब तक ये कैफियत इंसान के बातिन की ना हो जाए, और यही है जिसे कि वैसे मैं बाद रात मुझ पर एतराज किया करते हैं कि तुम मेरे पास आते हैं बड़े लंबे लंबे खतूत, तुमने हजरत मसीह के बारे में ये कह दिया, तुमने इंजील के बारे में ये कह दिया, लोग गुमराह हो जाएंगे। तो मेरी बात उसूली तौर पर जान लीजिए, मेरे नजदीक जहां तक तो शरीयत का ताल्लुक है, हलाल और हराम, उसमें कहीं से दलील नहीं ला सकते सिवाय किताब और सुन्नत के। लेकिन हिकमत का जहां तक ताल्लुक है, उस हिकमत के बारे में तो हुजूर की अपनी हदीस है, अल हिकमतु दालतुल मोमिन हुवा अहक्कु बिहा हैसु वजदहा। मोमिन की गुमशुदा मता के मानिंद है, जहां से मिले लपट कर लो। वो अगर आपको हिकमत जो है, आपको मालूम होगा सुकरात ने कहा था जब उससे पूछा गया तुमने अक्ल किससे सीखी, उसने कहा मैंने बेअक्लों से अक्ल सीखी। उनके रवैये को देखकर जब मुझे महसूस हुआ एक शख्स ये काम गलत कर रहा है तो तंबीह हो गई मुझे कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, लिहाजा मैंने तो बेअक्लों से अक्ल सीखी। इस एतबार से अपने जहन के दरवाजों को बंद न कीजिए। हिकमत अगर इंजील में हो, हिकमत अगर बाइबल में हो, हिकमत अगर उपनिषद में हो, तो मुझे तो कम से कम उनसे भी कोई एराज और इनकार की बात नहीं। तो एक लफ्ज असल में मैं बयान करने लगा था जो हिंदू फलसफे में आता है कि कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के मानी क्या है? अपने आप को मुकम्मल ला ताल्लुक कर लेना। एक ला ताल्लुक है दुनिया की लज्जात से किनारा कशी, ये रहबानियत है। एक ये कि दिली ताल्लुक उससे मुनक़ते हो जाए। जो चीज जायज जरिए से, जो चीज अल्लाह ताला दे रहा है, एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके पर आ रही है। आपकी जिद्दोजहद तो है हमतन दीन के लिए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको अगर कोई चीज फराहम कर देता है तो उससे इस्तेमाल करने से कतराना, यह रहबानियत है। इस रहबानियत की हमारे दीन में नफी की गई है, लेकिन खुद उसका जूया बन जाना, मुतलाशी बन जाना, उसके लिए कदर कीमत दिल में होना, उसके हुसूल की जिद्दोजहद करना, ये वो चीज़ है कि अगर ये किसी दर्जे में भी मौजूद है तो फिर आप एक आम मुसलमान जो हलाल और हराम पर कारबंद रहे, वो उस दर्जे में तो आप मुसलमान रह सकेंगे, इकामत दीन की जिद्दोजहद नहीं कर सकेंगे। उसके लिए शर्त लाजिम है कि आपके जहन का, आपके सोच का, आपकी नफसियाती कैफियत जो है वो इस साते में ढल चुकी हो। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, जो भी कुछ तुम्हें दिया गया है। और शैइन, ये जो अरबी से दिलचस्पी रखने वाले हजरात हैं उनकी तवज्जो के लिए अर्ज कर रहा हूं कि नकिरा अत-तनकीर जो यहां पर आया है लितफखीम, कि बड़ी से बड़ी शय, बड़ी से बड़ी कार, बड़े से बड़ा बंगला, बड़ी से बड़ी कोई कारोबारी हैसियत, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल स्टेटस, कुछ भी मिला हो उसकी निगाहों के अंदर पर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर वक़्त नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैफियत होगी तो इकामत दीन की जिद्दोजहद में तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा, और अगर ये नहीं है, उन्हीं की अजमत दिल में बैठी हुई है, उन्हीं की कदर व कीमत है, निगाहें चकाचौंध हो जाती हैं, मुतासिर हो जाता है इंसान। एक लंबी सी कार चमकीली सी जन्नाटे से गुजरी और आसाब के अंदर इत्तेआश हो गया कि बड़ा खुशकिस्मत है ये शख्स, क्या मालूम कि वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान हो, और यही उसका दुनियावी जो कुछ साजो सामान है यही उसके सांप और बिच्छू बन जाने वाले हैं उसके कब्र में। हमारा जब तक के नुक्ते नजर ये नहीं बनेगा, मैंने अर्ज किया कि आम शरीयत के ऊपर अमल करने की सतह पर तो इंसान शायद चल सके। इकामत दीन की जिद्दोजहद, वो जिद्दोजहद जो उलुल आज़म मिनर रसूल करते आए हैं, वो जिद्दोजहद जो तारीख इंसानी में एक ही मरतबा एक लाइफ स्पैन में तकमील के मरहले तक पहुंची है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। उस जिद्दोजहद के इंसान काम का नहीं है जब तक कि ये सूरत पैदा ना हो जाए। अपने गले इंसान गरीबान में झांके, किसी और को ना इस पैमाने पर नापना शुरू कीजिएगा। ये सारा इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, दरूबीनी के लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए है। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो भी कुछ तुम्हें दिया गया है जान लो कि वो दुनिया की जिंदगी का बरतने का साजो सामान है, बरतो, इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा उसके साथ दिली ताल्लुक न हो। बड़ी प्यारी हदीस है हुजूर की जिसमें कि आपने इस नक्शे को बयान किया है। माली वली दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार। इन्नमा मसली कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राहा फ़तरकहा। मेरी मिसाल उस सवार की सी है, वो मुसाफिर, वो सवार है, सफर करते हुए किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए बैठ जाता है, फिर वो उस दरख्त को छोड़ता है और अपना रास्ता लेता है। वो उसका घर नहीं, उसकी मंजिल नहीं, उसका ठिकाना नहीं। तो इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी इस दुनिया से दिलचस्पी नहीं। ये किसी ना किसी दर्जे में, मैं ये नहीं कहता कि हुजूर के दर्जे में ये पैदा हो जाएगी, ये मैं नहीं कहता कि सहाबा किराम के दर्जे तक पैदा हो जाएगी, वैसे ये मैं नहीं कहता कि नामुमकिन है, अल्लाह ताला जिसको देना चाहे दे, लेकिन हमारी सोच का अंदाज ये होगा कि वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल, लेकिन ये कि इस किसी ना किसी दर्जे में इसके कोई अक्स, इसका कोई असर, इसी का कोई नक्श जो है हमारे कल्ब के ऊपर होगा तो इस मैदान में पहला कदम उठेगा, वरना नहीं। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर भी है और बाकी रहने वाला है, किनके लिए? जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं।